जालौर सिरोही सांचौर लोकसभा सीट राजस्थान की सबसे हॉट सीटों में से एक है। वो इसलिए कि इस सीट पर निवर्तमान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पुत्र वैभव गहलोत कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। इस सीट पर अशोक गहलोत की साख दांव पर है। अशोक गहलोत के कार्यकाल में जिन दो जिलों में कांग्रेस के नेताओं को आपस में लड़वाकर आपसी फूट बढ़वाई गई, अपने करीबी नेता के माध्यम से यहां के कांग्रेस नेताओं का कद छोटा करने की कोशिश की गई, अब उन्हीं नेताओं के भरोसे पर वैभव गहलोत की नैया है। चुनाव प्रचार के दौरान मीडिया सेंसेशन के लिए कभी वैभव गहलोत तो कभी उनकी पत्नी हिमांशी गहलोत भाजपा प्रत्याशी लंबाराम चौधरी के पांव छूते हुए नजर आए। वैभव गहलोत की मीडिया टीम ने इसका वीडियो भी वायरल किया, लेकिन मौका मिलने पर चुनावी प्रतिद्वंदी के नाते वैभव गहलोत और लंबाराम चौधरी एक दूसरे पर चुटकी लेने से भी नहीं चूकते। इसी तरह से वैभव गहलोत ने लंबाराम चौधरी को रविवार को ट्रोल कर दिया। राजस्थान की जालौर सिरोही सांचौर लोकसभा सीट इस देश में कितनी महत्वपूर्ण है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इस सीट के भाजपा प्रत्याशी के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रचार के लिए आए थे। इसी के वीडियो को लेकर लंबाराम चौधरी को वैभव गहलोत ने ट्रोल कर दिया। भाजपा प्रत्याशी लंबाराम चौधरी के प्रचार के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को भीमबाँध आए थे। लंबाराम चौधरी ने इसी सभा के वीडियो को दोपहर को 3:56 पर अपने एक्स अकाउंट पर पोस्ट करते हुए एक पुराना वीडियो अपलोड करके इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा की भीड़ जताने के लिए इस पर कैप्शन दे दिया, मत मस्तक हो। वैभव गहलोत ने इसी पोस्ट का स्क्रीनशॉट लेकर अपने फेसबुक अकाउंट पर इस कमेंट के साथ पोस्ट किया कि आदरणीय लंबाराम जी, यह वीडियो 2019 में हुई कांग्रेस की रैली का है। संभवतः आज भाजपा की रैली में अपेक्षित भीड़ नहीं जुट पाई, इसलिए इस पुराने वीडियो का आपको इस्तेमाल करना पड़ा। इस वीडियो का लिंक आपकी जानकारी के लिए साझा कर रहा हूं। इस कमेंट के नीचे वैभव गहलोत ने लंबाराम चौधरी के द्वारा पोस्ट किए गए वीडियो का यूट्यूब लिंक भी लगा दिया। ये यूट्यूब लिंक SVGCSO चैनल का है। लंबाराम चौधरी के एक्स अकाउंट पर पोस्ट किया गया वीडियो इसी चैनल पर है। इसे इस चैनल पर 26 अप्रैल 2019 को पोस्ट किया गया है। इसका कैप्शन है, राम सिंह जालौर कांग्रेस मीटिंग दिनांक 25 अप्रैल 2019। दरअसल ये वीडियो 2019 के लोकसभा चुनावों के दौरान का है। इस समय जालौर लोकसभा सीट पर कांग्रेस के प्रत्याशी रतन देवासी थे और भाजपा प्रत्याशी देवजी पटेल। जालौर जिले के रामसिंह में कांग्रेस की सभा का आयोजन किया गया था। सभा खत्म होने के बाद जब लोग सभा स्थल से निकल रहे थे, उस समय ये वीडियो लिया गया था। दरअसल इस सीट पर भले ही लगातार जीत के कारण भाजपा चौथी बार कल्बी चौधरी जाति के प्रत्याशी को टिकट दे रही है, लेकिन इस सीट पर भाजपा की जीत का एक बहुत बड़ा अंश रेवाड़ी वोटों का भी है। 2019 में रेवाड़ी जाति के रतन देवासी को कांग्रेस का उम्मीदवार बनाने से इस सीट पर भाजपा की जीत का अंतर 2014 की जीत से काफी कम हो गया था। इस वीडियो में वेशभूषा से रेवाड़ी जाति के लोग अधिक दिख रहे हैं। संभवतः कांग्रेस पर मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने के लिए ही लंबाराम चौधरी के एक्स अकाउंट को हैंडल करने वाले ने इस वीडियो को अपलोड किया, जिससे कांग्रेस प्रत्याशी पर यह दबाव बने कि इस बार रेवाड़ी मतदाताओं का झुकाव फिर भाजपा की ओर है। लेकिन एक गलती कांग्रेस के आईटी सेल की पकड़ में आ गई और उसने लंबाराम चौधरी को ट्रोल कर दिया। वैसे गलती का एहसास होने पर यह वीडियो लंबाराम चौधरी की वॉल से डिलीट कर दिया गया है।